हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ विनय अगेन। आज मैं करेंसी, जो वर्ल्ड वाइड करेंसी यूज़ होती है, उनके नाम को लेकर स्टूडेंट्स को जनरली कन्फ्यूज़न रहती है, तो उस कन्फ्यूज़न को दूर करने में मैं आपकी हेल्प करने आया हूँ। और अभी 12 नॉन यूरो करेंसी कंट्रीज़ की हम बात करेंगे, जिसमें कि सबसे पहले ट्रिक है यूपी की रोली को पजल देकर चेक करने की भूल को स्वीकार किया लीला ने रशिया में। ओके, तो ये आपकी एक ट्रिक है छोटी सी, जिसको आप पहले रिमेम्बर कर लें एक बार, 1 मिनट का काम है। और उसके बाद मैं अब आपको इसकी ट्रिक में छुपे कुछ कंट्रीज और उनसे रिलेटेड नाम बताने जा रहा हूं। सबसे पहले आता है यूपी। यू का मतलब है यहाँ पे यूके, यूनाइटेड किंगडम। वहां की जो करेंसी है वो है पाउंड। तो यूपी की का कोई सेंस नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ पे इसको सर्कल कर रहा हूँ और कट भी कर दे रहा हूँ। कि रोली, रोली यहाँ पर जो देश है, RO, रो है रोमानिया, रोमानिया। और रोमानिया की जो करेंसी है वो है लियू, LIU। तो मैं करेंसी को थोड़ा आपका कर रहा हूं सर्कल के अंदर, ताकि आपको समझ में आ जाए। नेक्स्ट है आपका रोली को। को में यहां पे एक ही से आपके दो वर्ड आ जाएंगे। कंट्री है क्रोएशिया, क्रोएशिया। और इसी के साथ साथ जो करेंसी है वो है कोना, CONA। करेंसी क्या है? कोना। ध्यान से देखिएगा, यूपी की रोली को, तो यूके की करेंसी हो गई पाउंड, रोमानिया की करेंसी हो गई लियू, क्रोएशिया की करेंसी हो गई कोना। को पजल, पजल थोड़ा ध्यान से देखिएगा, पजल, पजल यहां पे इसका सेंस आ जाएगा पोलैंड, यानी कि जो कंट्री है वो पोलैंड है। और जो इसकी करेंसी आएगी वो आएगी ज्लोटी, ज्लोटी, पजल। तो ये आपका क्या आ गया? ज्लोटी। नेक्स्ट आ गया दे कर, दे कर। ओके, यहां पे दे से आ जाएगा आपका डेनमार्क। कौन सी कंट्री है? डेनमार्क। और उसके बाद आपकी जो करेंसी आएगी इसमें वो आएगी क्रोन, KRONE। ध्यान से देखना, किसी में कहीं पे अभी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो डेनमार्क की करेंसी क्या है? क्रोन। नेक्स्ट आपका आ जाएगा चेक। मैंने क्या दिया? दे कर चेक, यहां पे आ जाएगा चेक। तो यहां पे एक्चुअली कंट्री क्या है? चेक रिपब्लिक। कौन सी कंट्री है? चेक रिपब्लिक। और उसकी जो चेक करने इसकी जो करेंसी होगी वो होगी कोरुना। ध्यान से सुना, कोरुना। इससे पहले आई थी क्रोन, ये आपकी कौन सी है करेंसी? कोरोना। तो चेक रिपब्लिक की जो करेंसी है वो है कोरोना। नेक्स्ट आ जाएगा भूल, BHUL, भूल। BHU से आपका आ जाएगा बुल्गारिया, और L से आपका आ जाएगा लेव, LEV। थोड़ा ध्यान से देखते हुए चलिएगा, क्योंकि कंट्रीज हैं, उनकी करेंसी को याद करना अपने आप में एक बड़े बड़ा ही चैलेंजिंग सिनेरियो रहता है हमेशा से। और SSC एग्जाम्स में और भी आपके जो दूसरे एग्जाम्स होते रहते हैं, वहां पर ये जो करेंसीज हैं वो काफी बार पूछी जाती है। भूल को कट कर रहा हूं, कोई सेंस नहीं है। स्वीकार, स्वीकार थोड़ा सा अलग लिख रहा हूं। स्वी, स्वी से आ जाएगा आपका स्वीडन, और कार से आ जाएगा आपका क्रोना, क्रोना। ध्यान से देखिएगा जरा। ओके, तो देखिएगा यहां पे तीन करेंसीज आई हैं जो सेम मुझे नजर आएंगी। एक तो है क्रोन, जो कि डेनमार्क की थी, चेक रिपब्लिक की है कोरुना, जो कि इसकी है चेक रिपब्लिक के अंदर, और नेक्स्ट है क्रोना, जो कि स्वीडन की करेंसी है। को स्वीकार किया, इसका कोई सेंस नहीं है, कट कर रहा हूं। लीला,
यहाँ पे ली से ही आपकी जो कंट्री बन जाएगी वो आ जाएगी लिथुनिया, और साथ के साथ इसी की करेंसी आ जाएगी लिथास, लिथास। ओके, तो आप देख रहे हैं एक ही उससे ली ला, ला से कंट्री बन जाएगी लेटविना, और यहीं से इसकी करेंसी बन जाएगी लैट्स। नेक्स्ट आपका लीला ने का कोई सेंस नहीं, कट कर रहा हूं, रशिया में, तो मे का कोई सेंस नहीं, कट कर रहा हूं, रशिया, रशिया एक खुद में कंट्री है, उसकी जो करेंसी है वो है रूबल। कौन सी करेंसी है स्टूडेंट्स? रूबल। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं उन कंट्रीज की जिनकी करेंसी हम डॉलर लेते हैं। यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक है, सीता जी वन से कहाँ आइए। ओके, तो सी से आपका बन जाएगा यहाँ पर सिंगापुर। ता से बन जाएगा आपका ताइवान। जी से आपका बन जाएगा जिम्बाब्वे। व से आपका बन जाएगा बरमूडा। एक्चुअली कंट्री का नाम बरमूडा है लेकिन यहां पे व हमने बनाया है तो बरमूडा, एक्चुअली बरमूडा है आपका। नेक्स्ट है आपका न से न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड, और से बन जाएगा आपका सेंट लुइस। नेक्स्ट आपका क से बन गया कनाडा, हा से बन गया हांगकांग, आ से आपका बन गया ऑस्ट्रेलिया, और ए से आपका बन गया अमेरिका। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे एक बार फिर से, अगर हम इस पर नजर डालें, सीता जी वन से कहां आइए, तो सिंगापुर, ताइवान, जिम्बाब्वे, बरमूडा, न्यूजीलैंड, से सेंट लुशिया, क से कनाडा, हा से हांगकांग, और नेक्स्ट आपका आता है आ से ऑस्ट्रेलिया, ए से अमेरिका। ये आपकी फाइनल ट्रिक है जो मैंने डिजाइन की है। तो अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करते कर दें, और जल्दी से जल्दी आगे और ट्रिक्स के लिए मैं आपके सामने आऊंगा। एक और ट्रिक जहां पर हम अपने रुपीज को भूल गए थे, मैंने आपको गुड बाय बोल दिया था, वहीं से वापस कैरी कर रहा हूं, क्योंकि रुपीज हमारा अपना एक करेंसी है, तो उसको भी साथ के साथ कवर कर देता हूं ताकि नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको वेट ना करना पड़े। यहां पर है मामा ने भाई श्री से पाकिस्तान मांगा, तो हमारा मामा, तो यहां पर दो वर्ड हैं, यहां पे इस पहले वर्ड का मतलब है मालदीव, मालदीव, तो पहली कंट्री जिसकी रुपीज करेंसी है मालदीव। दूसरा है मॉरिशियस, मॉरिशियस, ध्यान से देखिएगा, दूसरी कंट्री हमारी मॉरिशियस जिसकी करेंसी रुपीज है। नेक्स्ट आ जाता है नी, ने से आपका बन जाएगा नेपाल। नेक्स्ट आपका आ जाता है भाई श्री से, तो भाई, भा से बन जाएगा भारत, एंड एज यू नो हमारा ये इंडिया है। नेक्स्ट आ जाता है ई, ई से बन जाएगा आपका इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। नेक्स्ट आपका आ जाता है श्री, श्री हमारी ही नेबरिंग कंट्री है, कोस्टल कंट्री है, श्रीलंका जिसकी करेंसी रुपीज है। नेक्स्ट आ जाता है सी, सी से बन जाता है आपका सशेल्स, स्पेलिंग है कुछ इस तरीके से, थोड़ा ध्यान से वॉच करिएगा। नेक्स्ट आ जाता है ब्लास्ट में पाकिस्तान, जो कि हमारी ट्रिक के अंदर ही यूज अप है। तो फ्रेंड्स बड़ी इजीली आप यहाँ पर करीबन, अगर मैं हिसाब लगा के आपको बताऊं तो 12 पहले और करीबन आपकी 9 to 10 कंट्रीज यहां पर हैं, और 9 to 10 कंट्रीज यहां पर है, तो एक ही 3 ट्रिक के अंदर एक बार में आप 30 to 35 कंट्रीज की करेंसीज को कवर कर सकते हैं। थोड़ा सा ये इस ट्रिक को 3 से 5 मिनट के अंदर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लर्निंग हो जाएगी।
और उम्मीद है ये ट्रिक आपको अच्छी लगेंगी, और आगे हम फिर बाद में आपके सामने और इस तरीके की ट्रिक्स लेकर आएंगे।